पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ का मामला, आज हाईकोर्ट में इस मामले पर भी सुनवाई होगी। और हरियाणा ने कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया है। पंजाब पहले ही अपने मामले में जवाब दाखिल कर चुका है कि चंडीगढ़ पर किसका हक हो, इसको लेकर भी लंबे अरसे से कानूनी प्रक्रिया चल रही है और आज इस मामले पर भी सुनवाई होगी। ज़्यादा बातचीत के लिए पूजा वर्मा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, इस मामले पर क्या कुछ आप कहेंगी और क्या वक्त है इस सुनवाई के लिए और ये किस तरह का मामला है? बिल्कुल, देखिए, ये चंडीगढ़ में ही एक वकील है जिन्होंने याचिका डाली थी जॉब्स को लेकर कि जो जॉब्स में रिजर्वेशन की बात है। पंजाब और हरियाणा सरकारें ये कहती तो हैं कि चंडीगढ़ उनकी राजधानी है, लेकिन चंडीगढ़ के ही रहने वाले लोगों को जो है उनके निवास स्थानों में, चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा हो, वहां पर उन्हें जॉब नहीं मिलती है। तो ऐसे में वो अपनी राजधानी किस तरह से बताते हैं, जिसको लेकर उन्होंने याचिका डाली थी हाईकोर्ट में, जिसमें सुनवाई के लिए सबसे पहले पंजाब सरकार की ओर से कहा गया था कि चंडीगढ़ पंजाब का भाग है और इसको लेकर हालांकि हलफनामा उन्होंने 1966 में कैबिनेट मीटिंग का एक हलफनामा दिया था, पंजाब सरकार की ओर से दिया गया था, लेकिन इसके बाद कोर्ट ने, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाए कि आखिर उनके पास कोई इस तरह का दस्तावेज है कि जिसमें ये बता सकें कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है या नहीं। इसके बाद हरियाणा ने भी अपनी ओर से एक एफिडेविट दायर किया जिसमें उन्होंने 9 जून 1966 की केंद्र की कैबिनेट मीटिंग का हवाला दिया, जिसमें उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये दोनों राज्यों की राजधानी भी रहेगा। पंजाब पहले ही मामले में जो है अपना जवाब दाखिल कर चुका है और इसके बाद हरियाणा की ओर से भी दायर हो चुका था, पंजाब की ओर से भी दायर हो चुका था और अब इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को रखी गई थी। ये भी उसी दिन रखी गई थी जिस दिन हाईकोर्ट में छुट्टी थी, लेकिन अब इस मामले की सुनवाई आज होनी है। तो आज चंडीगढ़ की ओर से भी, यानी कि क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऐसे में अपनी ओर से भी प्रोविजन रखेंगे कि क्या उनके पास कोई इस तरह का दस्तावेज है, कोई ऐसा हलफनामा है जिसमें ये साबित हो सके कि पंजाब और हरियाणा की कोई राजधानी है चंडीगढ़ या फिर नहीं। तो आज चंडीगढ़ की ओर से जो है उसमें अपनी ओर से पैरवी रखी जाएगी। जी ना सर, बहुत शुक्रिया पूजा तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी।